नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मधुपुर के लालगढ़ समीप ठेला मोतिया कमेटी द्वारा लतीफ शाह बाबा के उर्स पर के अवसर पर कवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोतिया कमेटी के बुलावे पर निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा ने कार्यक्रम में शिरकत कर मंच के माध्यम से हजारों लोगों को संबोधन किया। से पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी श्री झा को सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार युवकों व समर्थकों ने गाड़ियां ब्लॉक के समीप पुल से प्रत्याशी को गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद पटवाबाद होते हुए अपने हजारों समर्थकों के साथ मधुपुर स्टेशन रोड पहुंचे तथा जनसंपर्क के माध्यम से अपने पक्ष में वोट की अपील की। कवाली के कार्यक्रम में कमेटी के आग्रह पर पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा को मंच पर माला पहनाकर साथ तथा बुके देकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान मधुपुर नगर पार्षद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने कहा कि अभिषेक आनंद झा को बेहतर प्रत्याशी बताया। निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी तादाद है और कांग्रेस किसी माइनॉरिटी को टिकट न देकर उनका अपमान कर रही है। इशारों में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस फुरकान अंसारी को टिकट देता तो सभी एकमत होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करते, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर अल्पसंख्यकों में भारी नाराजगी है। मौके पर मुख्य रूप से नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक और फटारजन, जिला परिषद सदस्य बलबीर राय, जिला परिषद प्रतिनिधि सिकंदर आलम, मुखिया मंटू शेख बदना डी, पंचायत के मुखिया बाबू अंसारी, कमेटी के सद्दाम शेख, सफाउल शेख, चरखा शेख, खलील शेख, साजिद शेख, रकीब शेख समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। देवघर से बबलू साह की रिपोर्ट। स्वभाव और सद्भाव बना करके चलते हैं वो हर हमेशा चलेगा, और आप लोग से मैं आग्रह करूंगा इस मंच से कि इस बार मुझे अपना आशीर्वाद देने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ कव्वाली का माहौल है। तो एक मैं तो बहुत अधिक बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन एक शायरी सुनाना चाहूंगा। समझ में तो आई दुनिया मगर आहिस्ता आहिस्ता, मौन से हम भी हुए पत्थर मगर आहिस्ता आहिस्ता। रोशनी तो थी मेरे घर में मगर चरागों की न थी, जला रहे थे हम अपना जिगर मगर आहिस्ता आहिस्ता। घर से निकले हैं ये इरादा करके कि जीत जाएंगे खेल राजनीति का मगर आहिस्ता आहिस्ता। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम आदाब प्रणाम जोहार। मधुपुर का बहुत सेवा किया है और आज भी हम लोग यहाँ मधुपुर का सेवा करने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस मंच पर आप लोग सबको उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, खास करके टार्जन भाई के आदेश पर। मैं गोड्डा में था, इनका आदेश हुआ, इनका दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।